लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई रबाले के छत्रपति शाहू जी महाराज विद्यालय और कांसीराम हिंदी विद्यालय में पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ एडवोकेट अफरोज शाह ने छात्रों को वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण और उससे रोकने के लिए जरूरी प्रयासों की जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन पूर्व महापौर सुधाकर सोनौने द्वारा किया गया था, जहां सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसे रोकने के लिए छात्रों के जरिए जागरूकता फैलाने का अभियान तेज हो गया है। आज रबाले के छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय और काशीराम हिंदी विद्यालय में अफरोज शाह फाउंडेशन के सौजन्य से पर्यावरण सुरक्षा के प्रदूषण नियंत्रित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एडवोकेट अफरोज शाह ने छात्रों को वर्चुअल प्रेजेंटेशन के जरिए प्लास्टिक से पैदा होने वाले प्रदूषण और उसे रोकने के लिए जरूरी प्रयासों की जानकारी दी। पूर्व महापौर सुधाकर सोनौने द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण विशेषज्ञ एडवोकेट अफरोज शाह ने छात्रों के साथ संवाद साधा और जरूरी पहल के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। बच्चे जो हैं ये लीडर होते हैं प्रेजेंट के, तो उनसे जब भी मैं मिलता हूँ बहुत खुश होता हूँ। हैविंग सेड दैट, ये जो मुद्दा है प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये खाली हमारे देश में नहीं, अलग अलग जगह और समुद्र में खासकर प्लास्टिक, इसको बोलते हैं मरीन डेब्रीज, मरीन लिटर, जो समुद्र में जाके मच्छियों के पेट में जाता है। जब बच्चे से आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो बच्चे से यही होता है कि हम किस तरह हमारा रिश्ता जोड़े नेचर से, टूट चुका है ना मेरा, उनका, सबका। किसी को पता ही नहीं समुद्र में क्या हो रहा है, नदियों में क्या हो रहा है, पहाड़ों में क्या हो रहा है, जंगल में क्या हो रहा है, प्लास्टिक क्यों है, प्लास्टिक लाते क्यों हैं, लाने के बाद इस तरह फेंकते क्यों हैं। तो वही कॉन्वर्सेशन आज हुआ, और वो कॉन्वर्सेशन पे ये था कि जो गांधीयन फिलोसफी, हाथ जो हाथ दोनों पकड़ के चलेंगे और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। और जब मैं एक व्हेल के बारे में बात कर रहा था कि उसके पेट में इतने प्लास्टिक थे, तो होपफुली ये बातें उन्होंने पकड़ी है, और पकड़ने के बाद अब कुछ करके दिखाएंगे। तो खाली ये बातों में नहीं ख़त्म होगा, जैसे मामा से हमारा डिस्कशन हुआ है, प्लान ये है कि यहाँ पे बैंक ऑफ प्लास्टिक खोलना, और यहाँ पे जितना भी इनके घरों में प्लास्टिक आता है वो ले आना है। एक दूसरा, जो गरीब बच्चे हैं खासकर, ये पैंडमिक में फ़ीस की तकलीफ़ हो रही है, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ़ी फॉर प्लास्टिक प्रोग्राम रन करें, यानी वो प्लास्टिक लाए और उनकी फ़ीस उनकी माफ़ कर दें, खाने पे फूड फॉर प्लास्टिक हम बॉम्बे में रन करते हैं, तो होपफुली यहाँ रन करके ये बहुत अच्छा होगा कि कुछ बच्चे जो फ़ीस नहीं पे कर पा रहे वो प्लास्टिक लाए और उनकी फ़ीस हम कवर कर दें, कुछ बच्चों को खाने की प्रॉब्लम है वो खाना यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करें और वो हो जाए। तो ये बहुत अच्छा होगा कि प्लास्टिक और फूड और प्लास्टिक और फ़ी का एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाए। वही मैनमेड फॉरेस्ट बनाकर पर्यावरण सुरक्षा का अनूठान उदाहरण पेश करने वाले पूर्व महापौर सुधाकर सोनौने ने कहा कि आज प्रदूषण बड़ी समस्या है। उन्होंने एडवोकेट अफरोज शाह के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। पूर्व महापौर ने कहा कि जल्द ही छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय और काशीराम हिंदी विद्यालय में प्लास्टिक बैग प्रारंभ करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ प्लास्टिक बैग जमा होंगे जिन्हें रिसाइकल किया जाएगा। नो प्लास्टिक, प्लास्टिक का क्या गुणधर्म है और प्लास्टिक कितना घातक है, इसके बारे में पूरी तरह ये बताया है। और हमने मान लिया है कि जो दो स्कूल है, राजर्षि शाहू जी महाराज विद्यालय और माननीय कांसीराम जी हिंदी विद्यालय, ये दोनों स्कूलों में इस वर्ष के लिए प्लास्टिक बैंक खोला जाएगा। और जैसे कि बच्चे घर में दूध की थैली है और कई चीज़ें की थैली है, उसको ला के अपने सेग्रीगेशन बिन में यहाँ पर डालेंगे, उस प्लास्टिक को हम जमा करेंगे, और उस प्लास्टिक से जमा होने के बाद में जो पैसा आएगा, वो जो होशियार बच्चे हैं जो आगे जाके पढ़ना चाहते हैं उनके फीस के लिए, उनके शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। ये आज हमने यहाँ पर शपथ ली है, अब प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो रिसाइकल करेंगे, इसका रीयूज करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।